ऑलराइट गाइस, तो आज मैं डिफरेंस करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के ऑफिशियल गेम वर्सेस टी लॉन्चर। देखो, मैंने बहुत दिनों पहले मतलब लगभग 2 महीने पहले ये वाला वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि टी लॉन्चर से कैसे गेम डाउनलोड किया जाए, ठीक है ना। तो तब मेरे को पता नहीं था टी लॉन्चर एक पायरेटेड वाला वेबसाइट है, तो तब मैं इसे यूज किया करता था, पर उसके बाद मैंने डिलीट किया। उसका प्रूफ भी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पूरा खाली है, टी लॉन्चर को मैंने डिलीट मार दिया। तो आज मैं तुम लोगों के सामने एक डिफरेंस लाने वाला हूँ कि टी लॉन्चर और माइनक्राफ्ट की रियल वर्जन के बीच में डिफरेंस क्या है। ऐसा नहीं है कि टी लॉन्चर खराब है या फिर बेकार है, बस एक लॉन्चर है जो गेम को मॉडिफाइड करके चलाता है। तो उसके बारे में मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ। डिफरेंस नंबर 1, पायरेसी। जनरल जो माइनक्राफ्ट होता है वो एक पायरेटेड नहीं होता है, वो ऑफिशियल मोजैंग स्टूडियोज से आता है। पर टी लॉन्चर एक लॉन्चर तो है, पर देखो अल्टीमेटली वो एक पायरेटेड है। जनरली बहुत लोगों को लगता है कि टी लॉन्चर तो यार एक असली वाला चीज है जहां से एक लॉन्चर है बस जो गेम को चलाता है। और बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि माइनक्राफ्ट जनरली फ्री है। मुझे भी पहले पहले लगता था कि माइनक्राफ्ट ये यार कि मतलब क्या ही गेम है ये कि इसके लिए पैसा लगाएगा। उसके बाद मुझे पता चला कि माइनक्राफ्ट फ्री में नहीं मिलता, माइनक्राफ्ट के लिए पैसा लगता है। तो मैंने सोचा यार माइनक्राफ्ट का कोई इजी वर्जन तो होगा जहां से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब मुझे पता चला टी लॉन्चर के बारे में। टी लॉन्चर के बारे में मैंने पता चला तो तुम लोगों के लिए वीडियो बना। उसके बाद मुझे पता चला यार टी लॉन्चर तो यार पायरेटेड है, मॉडर्न वाला वर्जन है। क्योंकि आप लोग अगर देखो ना डिफरेंस को, टी लॉन्चर और इसका बीच में डिफरेंस देखोगे तो वेबसाइट में देखो ऑर्ग वाला वेबसाइट है, और ये मतलब इतना अच्छा इंटरफेस है इसका। इसमें आपको यूजर पासवर्ड लॉगिन करना पड़ता है, गूगल के थ्रू कर सकते हो, तो इसमें ना मतलब कुछ ऐसा गलत नहीं लगता। डिफरेंस नंबर 2, एक्सेसिबिलिटी। देखो टी लॉन्चर और माइनक्राफ्ट में ये वाला डिफरेंस अगर हम लोग करें तो जनरल माइनक्राफ्ट जो ओरिजिनल वाला हम लोगों को मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अगर हम लोग शेडर्स लगाए या फिर मॉडिंग करें, कोई भी ऐसा कुछ मॉड करे, बाहर से डलवाए मॉड, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट हम लोगों को छान मारना पड़ता है, उसके बाद वो मॉड वहाँ पर इंस्टॉल करवाना पड़ता है। पर ऐसा हम लोग को टी लॉन्चर के साथ नहीं होता, इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं टी लॉन्चर के जरिए ओरिजिनल वाला माइनक्राफ्ट खेल लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं गेम प्ले डिफरेंस। तो सही बताओ तो गेम प्ले में जनरली कोई भी डिफरेंस नहीं है, पर हाँ कभी कभार लैग होता है अगर लो एंड वाला पीसी हो जाता है तो। पर अगर मैं बात करूँ एवरेज डिफरेंस का, तो टी लॉन्चर और जनरल माइनक्राफ्ट जो ओरिजिनल वाला हम लोगों को मिलता है उसके अंदर ना कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ शेडर्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जब आप लोग ऑप्टिवाइन के जरिए शेडर्स वगैरह लगाते हो या फिर हाई ग्राफिक्स की एक्सपेक्टेशन से आप कुछ इंस्टॉल करवाते हो तो आपका एक मैसिव एपीस ड्रॉप होता है। मैंने खुद चेक किया है इसका मैसिव एफपीएस ड्रॉप, मैं कितना कहूंगा 30 तक FPS ड्रॉप हो जाता है, जहाँ पर मेरा जो कंप्यूटर है वो 144 हर्ट्ज़ तक माइनक्राफ्ट को चला सकता है, मतलब 144 हर्ट्ज़ एंड अप माइनक्राफ्ट को चला सकता है। पर जब भी मैं टी लॉन्चर से वो शेडर्स वगैरह डालता हूँ तो उसमें 30 FPS का लैग मुझे देखने को मिलता है। वैसे कोई फीलिंग्स तो नहीं होता कि यार इतना कम हो गया, पर होता है थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है। अब जो लोग सोचो 60 FPS में खेला करता है वो लोग अगर मतलब इतना ज़्यादा FPS ड्रॉप हो जाता है ना, बहुत लोगों को नहीं होता, बहुत लोगों को होता है, उसके बारे में मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, मुझे नहीं पता, पर मैक्सिमम होता है, मैंने खुद चेक किया मेरे को हुआ। तो इसके बाद और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े वाले जो सर्वर्स होते हैं जो माइनक्राफ्ट का ऑफिशियल सर्वर्स होते हैं उनमें हम लोग जाकर नहीं खेल सकते, मतलब मल्टीप्लेयर हम लोग नहीं खेल सकते। बहुत लोगों का सपना होता है कि माइनक्राफ्ट के वो वाले सर्वर्स में जाए हम लोग खेले, पर ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोगों को वहाँ पर रोका जा सकता, मतलब करने को कर सकते हैं पर होता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। पर अगर ओरिजिनल की बात करें तो वहाँ पर आसानी से हो जाता है। अब बात आता है अगर माइनक्राफ्ट का टी लॉन्चर वाला वर्जन अगर पायरेटेड ही है तो मोजैंग स्टूडियोज इसके ऊपर मतलब कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहा। तो बात दरअसल ऐसे हो सकती है कि कभी कभार मतलब होता है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि पैसा नहीं है इसलिए नहीं खेल सकते। मैक्सिमम जो लोग माइनक्राफ्ट खेला करता है ना उन लोगों के लिए क्या होता है, अपना पीसी बहुत लो एंड होता है तो कोई और अच्छे खासे गेम नहीं मिलता तो माइनक्राफ्ट ही इंस्टॉल कर लेते हैं और उसे ही खेलते, उसमें मज़ा भी आ जाता है। पर बात तो वही रह जाता है ना कि माइनक्राफ्ट इस ये वाला जो टी लॉन्चर इसे मतलब निकाल क्यों नहीं रहा, इसके ऊपर लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहा। तो देखो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, उनमें से मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि माइनक्राफ्ट अपने पॉपुलैरिटी को डाउन करना नहीं चाहता। क्योंकि कभी माइनक्राफ्ट का जो डेवलपर है उन लोगों ने खुद कहा था यार अगर तुम लोग गेम खरीद के नहीं खेल सकते हैं तो पायरेसी कर लो, पायरेटेड कर लो, उसके बाद जब भी पैसे आ जाए तो खरीद लेना। तो इसके मुताबिक शायद वो लोग चाहते कि इसका पॉपुलैरिटी बना ही रहे। अब
देखो कितने दिन तक तुम लोग GTA 5 की पायरेटेड वाला वर्षन खेलोगे, है ना। मैं GTA 5 की मतलब वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्योंकि तुम लोगों को GTA 5 मैक्सिमम को पता ही है, माइनक्राफ्ट भी बहुत सारे लोगों को पता है, तो GTA 5 कितने दिनों तक तुम लोग पायरेटेड खेलोगे। एक ना एक दिन तो तुम्हें ऑनलाइन खेलने का मन होगा ही, और जब तुम्हारे हाथ में पैसा आ जाएगा तो तुम लोग ज़रूरी है कि GTA 5 तुम लोग खरीद लो, है ना। तो यही सारे डिफरेंस हो सकते हैं माइनक्राफ्ट की टी लॉन्चर और माइनक्राफ्ट की ओरिजिनल वर्जन के अंदर। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर तुम लोगों को ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया। तो होप तुम लोगों को अच्छा लगे वीडियो, और कुछ ऐसे टॉपिक्स बताओ यार जिसमें मैंने तुम लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूं, है ना। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।